हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आर वन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस एक नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो जाए तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई जरूर करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच राई। राई को सरसों के दाने भी कहा जाता है। अब इसे हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। राई को जब भी तेल में डालें तो इसे अच्छी तरह से चटकने जरूर दें। यदि अच्छी तरह से नहीं चटकेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। राई अच्छी तरह से चटकने लगी है, आप देख सकते हैं इसमें चटकने की आवाज आने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सौंफ का। साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। यदि आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ मिर्ची की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो मिर्ची है इसके अंदर का कच्चापन चला जाए। और यदि आप इस नाश्ते को स्पेशल बच्चों के लिए बनाए तो आप यहाँ मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब मिर्ची भी हल्की सी पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग नाश्ता बना के खाया जाए तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई जरूर करें। प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप हरी मटर। मटर को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद किसी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद नहीं हो आप यहाँ पर उसे स्किप भी कर सकते हैं। मटर भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची की क्वांटिटी आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला और 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक। अब थोड़ी देर के लिए मसालों को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो मसाले के अंदर का कच्चापन है वो चला जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल जरा सा, ताकि जो ये मसाले हैं ये जले नहीं। और मसालों को जब भी आप तेल में डालें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। यदि गैस की फ्लेम हाई रहेगी और आप सूखे मसाले तेल में डालेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, आपको एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है ताकि बस ये मसाले जले नहीं। तो मसालों को मैंने थोड़ी देर के लिए और चलाते हुए पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसका मैंने छिलका हटाकर इसे मैश कर लिया है, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से पूरे मसाले में हम आलू को मिलाएंगे। इस तरह से हम चम्मच से इसे मैश करते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर बड़े टुकड़े हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। मैंने आलू को पूरे मसाले में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल है, तो मैंने 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए इसे पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नींबू का रस डालने से। आप यहाँ नींबू के रस की जगह आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 6 उड़द दाल के पापड़ लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर मूंग दाल के पापड़ भी ले सकते हैं। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम इस पापड़ को इस पानी के अंदर डीप करेंगे इस तरह से, और 25 से 30 सेकंड के लिए इसके अंदर डीप रहने देंगे। इस तरह से पानी में डीप करने से जो ये पापड़ है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इस पापड़ को उठाकर किसी कपड़े के ऊपर रख लेंगे। तो मैंने पापड़ को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख लिया है। अब हम इसका पानी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे कपड़े से। तो मैंने इसके पानी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है, ये देखिए। अब हम इस पापड़ को उठाकर किसी प्लेट पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। तो मैंने इस तरह से पापड़ को इस बोर्ड के ऊपर रख लिया है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उस स्टफिंग को हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, और इधर से इसे हम फोल्ड करेंगे। इस साइड से भी उठाकर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, ये बहुत ही इजीली से चिपक जाएगा। और इस साइड से भी उठाकर हम इस पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए। और इसका एक पॉकेट तैयार कर लेंगे, बहुत ही इजीली से ये पॉकेट तैयार हो जाता है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम वापस से एक पॉकेट फिर बनाएंगे, तो उसके लिए हम पापड़ को इस तरह से पानी में डिप करेंगे।
25 से 30 सेकंड से ज्यादा इसे डीप ना रहने दें, नहीं तो ये बहुत ही गल जाएगा और फिर इसे फोल्ड करते समय ये फट जाएगा। तो हम इसे वापस से पानी से बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इस तरह से करके रखेंगे ताकि जो इसके अंदर का पानी है वो वापस प्लेट के अंदर चला जाए। और इस तरह से हम इसके पानी को सुखा लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है, एकदम ज़्यादा टाइट हाथों से ना करें। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह से आपको इस तरह से पापड़ के पानी को पोंछना है। तो इसे उठाकर हम बोर्ड पर रख लेंगे। तो मैंने पापड़ को बोर्ड पर रख लिया है। वापस से हम इस तरह से स्टफिंग रखेंगे। ये पापड़ पॉकेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार होते हैं। जब आप इसे बनाकर अपने घर में खिलाओगे तो इसे सभी लोग खाना पसंद करेंगे, इतने टेस्टी लगते हैं ये खाने में। इसमें हमें पानी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ही ये इजीली से चिपक जाएगा। ये देखिए कितनी इजीली से ये बन गया है, फोल्ड हो गया है ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे पॉकेट बनाकर रख लेंगे। तो मैंने सारे पॉकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इन पॉकेट को सेलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम इस पॉकेट को इसके अंदर रख देंगे और गैस की फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना रखें। तो जितने पॉकेट आ जाएंगे उतने हम पैन के अंदर रख देंगे। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो ये पापड़ की शीट बनाई है ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो इन्हें हम पलट देते हैं हल्के हल्के हाथों से और दूसरे साइड से भी हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हम इन्हें घुमा के भी हल्का हल्का सा साइड से भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो से मीडियम ही रखना है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। इसी तरह से हमें इसे पलट पलट कर शेलो फ्राई करना है। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो जो ये पापड़ हैं ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैंने इन्हें पलट पलट कर हल्का सा सेलो फ्राई कर लिया है। तो इन्हें हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पॉकेट्स को भी सेलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पापड़ पॉकेट खाने में, झटपट बनकर तैयार होते हैं। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने सारे पॉकेट को शेलो फ्राई कर लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें भी उठाकर प्लेट में रख लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी और यम्मी हमारे पापड़ पॉकेट बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इस पॉकेट को बनाने के बाद गरम गरम ही सर्व करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये पॉकेट थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो आलू की स्टफिंग की है और जो इसके ऊपर की रैपिंग है वो पापड़ की, इस कारण से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।